दोस्तों आज के समय में हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वायरिंग किस तरह की जाती है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वर्किंग किस तरह होती है, हर एक कनेक्शन को प्रैक्टिकली एंड ड्राइंग के जरिए काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पावर सप्लाई है, फर्स्ट मेन पावर सप्लाई एंड सेकंड जनरेटर पावर सप्लाई। यदि हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन रहती है तो हमारा जो लोड है ओनली मेन पावर सप्लाई के ऊपर ही रन करता है। उस कंडीशन में जनरेटर पावर सप्लाई ऑन भी रहती है तो हमारा जो लोड है ओनली मेन पावर सप्लाई के ऊपर ही वर्क करता है। यदि हमारी मेन पावर सप्लाई पावर फेल्यूर होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा लोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेटर पावर सप्लाई के ऊपर रन करता है। और जैसे ही मेन पावर सप्लाई आती है, जितना टाइम हमने उस टाइमर में सेट किया है उस टाइमिंग डिले के बाद हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच की वायरिंग की जाएगी, इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमने दो MCB कनेक्ट किया है, फर्स्ट मेन पावर सप्लाई के लिए, सेकंड यहाँ पर जनरेटर पावर सप्लाई के लिए एक MCB हमने कनेक्ट किया है। जब मेन पावर सप्लाई हमारी ऑन रहेगी तो ये रिले ऑपरेट होगा और रिले के साथ हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। दैट मीन्स ये मेन पावर सप्लाई के लिए रिले कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। जब मेन पावर सप्लाई फेल होती है उस कंडीशन में यह सप्लाई जाके इस रिले को ऑपरेट करेगी और इस रिले के जरिए हम इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। और यहाँ पर हमने एक टाइमर कनेक्ट किया है, ये जो टाइमर है यह मेन पावर सप्लाई के लिए हमने कनेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल यदि मेन पावर सप्लाई हमारी ऑफ होती है तो उस कंडीशन में हमारी जनरेटर पावर सप्लाई ऑन होगी। कई बार क्या होता है मेन पावर सप्लाई ऑफ होकर अचानक से ऑन हो जाती है या माल फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में हमारी जो मेन पावर सप्लाई ऑफ होकर ऑन होती है तो उस कंडीशन में देखिए मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो जनरेटर पावर सप्लाई ऑन होगी। यदि उसी टाइम पर हमारी मेन पावर सप्लाई भी आ जाती है तो वैसे तो रिले के जरिए स्विचिंग हो जाएगी बट फॉर सेफ्टी पर्पस हम वहां पर एक टाइम डिले सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 सेकंड या 5 सेकंड सेट किया है। अब जब हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो इतने टाइम डिले के बाद हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन होगी तो यहाँ पर हमने एक तरह से डिले के लिए एक टाइमर को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो टाइमर को जस्ट हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। यदि मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उस टाइम डिले के बाद हमारी मेन पावर सप्लाई ऑन होगी और जो भी लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन करेगा। यदि मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो उस कंडीशन में जनरेटर पावर सप्लाई ऑन होगी और हमारा जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई से रन करेगा। सो काफी सिंपल वर्किंग है, आई होप आपको हर एक कंपोनेंट की वर्किंग क्लियर हुई हो। आज के वीडियो में हर एक कनेक्शन को हम ड्राइंग के जरिए भी समझने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली वायर बाय वायर भी समझने वाले जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए हमारे पास ये जो रिले है ये हमने 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है। 11 पिन ग्लास रिले में चलिए हम टर्मिनल समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2 और 10 जो पॉइंट होता है ये इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होगी। 1 इसका कॉमन पॉइंट होता है, 1 के साथ 4 NC में होता है एंड 1 के साथ 3 यहां पर NO पॉइंट होता है। इसी तरह से यहां पर जो 11 पॉइंट है ये कॉमन है। जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तो 11 की सप्लाई 8 से निकलेगी, 8 NC होता है। जब रिले हमारा ऑपरेट होगा तो 11 की सप्लाई 9 से जाएगी, दैट मींस यहां पर 9 NO पॉइंट है। इसी तरह से 6 यहां पर कॉमन पॉइंट है, 5, 6 के साथ NC में होता है और 7 यहां पर NO में होता है। तो ये जस्ट 11 पिन ग्लास रिले के टर्मिनल्स हमने समझ लिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ये हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का टाइमर है, आपके पास कोई भी ऑन डिले टाइमर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए हम इस टाइमर के पहले कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए इस कनेक्ट टाइमर को ऑपरेट होने के लिए हमें A1 एंड A2 में 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना होती है और यहां पर जो 2 नंबर पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, यहां पर आप वॉच कर सकते हैं।
टू कॉमन होता है, टू के साथ वन एनसी होता है और टू के साथ थ्री एनओ होता है। अब देखिए हमने जितना टाइम सेट किया उस टाइम के बाद हमें लोड को ऑपरेट करना है, तो हमें टू एंड थ्री कॉमन एंड एनओ पॉइंट का यूज करना है। यहां पर हमें दो एलईडी दी गई है, यदि हमारे टाइमर में सप्लाई आती है तो ऑन एलईडी ब्लिंक करेगी, यदि हमारा टाइमर ऑपरेट होता है तो यहां पर ऑपरेट के लिए एक एलईडी दी गई है जो कि हमें इंडिकेशन देगी हमारा टाइमर अभी ऑपरेट हो चुका है। तो काफी सिंपल टाइमर है, आप कोई भी ऑन डेली टाइमर का यूज कर सकते हैं। अब इस टाइमर में देखिए हमने 2 सेकंड का डिले टाइम सेट किया है, आप कितने भी डिले टाइम सेट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फॉर एग्जांपल हमने 2 सेकंड का टाइम डिले सेट किया है। चलिए अब हम कनेक्शन समझ लेते हैं। हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई के लिए एमसीबी कनेक्ट किया है उससे फेज एंड न्यूट्रल ले जाकर हमें रिले को ऑपरेट करना है। देखिए रिले में 10N2 में हमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, तो फेज वायर को हम 10 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए फेज वायर को 10 नंबर पॉइंट में कनेक्ट किया और जो न्यूट्रल वायर है इसे 2 नंबर पॉइंट में हम कनेक्ट कर देते हैं। दैट मींस मेन पावर सप्लाई के आते ही हमारा रिले यहां पर ऑपरेट होगा। काफी सिंपल है, देखिए रिले ऑपरेट हो चुका है। सेम कनेक्शन हमें जनरेटर पावर सप्लाई के लिए कर देना है। देखिए जैसे ही जनरेटर पावर सप्लाई ऑन होती है तो हमारे इस रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, तो जनरेटर का जो फेज है उसके लिए ब्लू वायर का यूज किया है, तो यहाँ पे 10N2 में हमने फेज न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब हमें रिले का कॉमन एंड एनो पॉइंट का यूज करना है, तो 11 कॉमन पॉइंट है और 9 नंबर उसके साथ एनो में है। देखिए जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होता है तो ऑपरेट होते इसकी सप्लाई हमने 11 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। रिले के ऑपरेट होते ही कॉमन की जो सप्लाई है वो इसके एनो पॉइंट से निकलेगी जो कि 9 नंबर पॉइंट है। तो देखिए जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होता है कॉमन में सप्लाई आती है तो कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी और एनो से जो कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है उसे ले जाकर टाइमर को ऑपरेट कर देना है। देखिए टाइमर के A1 टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसे ही मेन पावर सप्लाई आती है रिले ऑपरेट, रिले के साथ हमारा टाइमर ऑपरेट हो चुका है। अब देखिए यहां पर टाइमर में जो 2 नंबर पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, तो इसी सप्लाई को हम 2 के साथ लुक कर देते हैं। देखिए कनेक्टर हमने लिया है ताकि जब हमारा टाइमर ऑपरेट हो तो टाइमर के साथ कॉमन पॉइंट में भी सप्लाई आ जाए। देखिए कॉमन में से हमारे पास सप्लाई आ चुकी है। अब टाइमर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो फेज हमने रिले के एनो से दिया है, न्यूट्रल हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। बट ये जो न्यूट्रल होगा हमारे पास जो मेन पावर सप्लाई है उसी का न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए न्यूट्रल को हमने A2 में कनेक्ट कर दिया है। देखिए अभी हमारे पास टाइमर में A1 A2 का कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने 2 सेकंड का डिले सेट किया है, तो 2 सेकंड के बाद हमारा टाइमर ऑपरेट होगा और इसकी जो हमने कॉमन में सप्लाई कनेक्ट किया है वो एनो से निकलेगी, तो 3 से यहां से जो सप्लाई निकलेगी उससे ले जाकर हमें मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट यहां पर हमें इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। तो इसके लिए देखिए हमारे पास जो जनरेटर का कॉन्टेक्टर उसका एनसी टर्मिनल को हमने यूज किया है और एनसी का जो आउटपुट है इस आउटपुट को ले जाकर मेन कॉन्टेक्टर को हमें ऑपरेट कर देना है। देखिए मेन कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फर्स्ट जैसे हमारे पास रिले ऑपरेट होगा, रिले से टाइमर ऑपरेट होगा, टाइमर के साथ ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और हमारा जो लोड है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। देखिए हमारे पास मेन सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है, अब हमें जनरेटर पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। देखिए जैसे जनरेटर पावर सप्लाई आती है रिले ऑपरेट होता है, अब रिले ऑपरेट होगा तो हमें रिले का कॉमन एंड एनओ पॉइंट का यूज करना है। तो सेम कनेक्शन हमें देखिए यहां से कॉइल से कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे कॉमन 11 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। आप देखिए जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट हुआ तो 11 की सप्लाई 9 से निकलेगी। देखिए यहां से हमने इसके एनो पॉइंट में कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास मेन रिले है इस रिले का हमें कॉमन एंड एनसी पॉइंट का यूज करना है। जब ये रिले स्टॉप कंडीशन में रहेगा तभी सप्लाई पास होगी। इसके लिए हमने देखिए कॉमन 1 नंबर पॉइंट और 4 इसके साथ एनसी में है, एनसी पॉइंट का यूज किया है। दैट मींस जब हमारा मेन रिले स्टॉप कंडीशन में रहेगा
तब जनरेटर सप्लाई यहां से पास होगी। देखिए कॉमन में हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया वन नंबर पॉइंट में, इसे हमें कनेक्ट कर देना है फोर नंबर पॉइंट से। देखिए जब हमारा मेन पावर सप्लाई स्टॉप रहेगा तभी सप्लाई पास होगी। इसे हमें मेन कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट कर दिया ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। देखिए इंटरलॉकिंग के लिए कनेक्ट किया है और इस एनसी के आउटपुट से हमें जनरेटर कॉन्टेक्टर के ए टू में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स यहां से एनसी से हमारा जनरेटर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब हमारा जो लोड है वो जनरेटर पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। तो इस तरह से अब हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है जो कि कॉन्टेक्टर में प्रोवाइड करना है। तो न्यूट्रल जो आपको प्रोवाइड करना है, आपको जो मेन पावर सप्लाई है तो मेन कॉन्टेक्टर को हमें मेन पावर सप्लाई का न्यूट्रल देना है और जनरेटर कॉन्टेक्टर को हमें जनरेटर पावर सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेन पावर सप्लाई के लिए यहां पर हमने मेन न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से जनरेटर पावर सप्लाई के लिए जनरेटर के न्यूट्रल को हमने कॉन्टेक्टर में यहां पर कनेक्ट कर दिया। काफी सिंपल है। देखिए हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब लोड का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से फेज और न्यूट्रल हमने लोड के लिए डायरेक्टली कनेक्ट किया है। इसे कॉन्टेक्टर के L1 एंड L2 सिरे पर कनेक्ट कर दिया है। और यहां पर देखिए हमारे पास जो जनरेटर की सप्लाई है, जनरेटर से फेज और न्यूट्रल लेके कॉन्टेक्टर के हमने L1 एंड L2 सिरे पर कनेक्ट कर दिया है। आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जनरेटर का आउटपुट और हमारे पास मेन सप्लाई के आउटपुट को यहां पर फेज को कॉमन किया और लोड से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह न्यूट्रल को भी हमने कॉमन कर लोड से कनेक्ट कर दिया है। दैट मींस कोई भी पावर सप्लाई यदि ऑन होती है तो हमारे लोड ने ऑन होना चाहिए। चलिए अब इसकी किस तरह से वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए मेन पावर सप्लाई ऑन हुई तो हमारा रिले ऑपरेट हुआ, रिले ऑपरेट हुआ तो हमारा टाइमर ऑपरेट हुआ। अब टाइमर में हमने जो भी टाइमिंग सेट किया है, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड सेट किया है, तो इसके कॉमन के सप्लाई एनो से निकलेगी टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद और यह जाएगी हमारे पास जनरेटर कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो हमारे पास मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन काफी सिंपल है। अब हम जनरेटर पावर सप्लाई की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए अब हमारी मेन पावर सप्लाई यदि ऑफ होती है तो जनरेटर पावर सप्लाई पे लोड आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिले हमारा स्टॉप कंडीशन में रहेगा, टाइमर भी स्टॉप कंडीशन में रहेगा। यहां से जाके जनरेटर का रिले ऑपरेट होगा। जनरेटर के रिले के ऑपरेट होने से एनो से इसकी सप्लाई पास होगी, जिसे हमने यहां पर ले जाकर मेन रिले के यहां से हमने एनसी को यूज किया है कॉमन एंड एनसी को, तो एनसी से सप्लाई पास होगी। यह हमारा मेन कॉन्टेक्टर के एनसी से होता हुआ जनरेटर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा, जिससे हमारा लोड ऑपरेट होगा। तो काफी सिंपल वर्किंग है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से यह वर्क कर रहा है। देखिए जैसे ही हम मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है डिले के बाद हमारा लोड मेन पावर सप्लाई से ऑन होगा। देखिए मेन पावर सप्लाई को ऑन किया, डिले स्टार्ट हो चुका है। 2 सेकंड के बाद मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, जिससे हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से ऑन हो चुका है। उस कंडीशन में यदि जनरेटर पावर सप्लाई ऑन भी रहती है तो हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर वर्क करेगा। जैसे ही हमारी मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है, हमारा लोड जनरेटर पावर सप्लाई के ऊपर स्विच हो चुका है। अब लोड हमारा जनरेटर पावर सप्लाई से वर्क कर रहा है। उस कंडीशन में यदि हमारी मेन पावर सप्लाई आती है, देखिए मेन पावर सप्लाई जैसे ही आएगी हमारा लोड स्टॉप रहेगा, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है। 2 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई के ऊपर स्विच हो जाएगा और मेन पावर सप्लाई से रन करता रहेगा। ये डिले हमने इसीलिए दिया था कि मेन पावर सप्लाई जाकर यदि अचानक से वापस आती है तो उस कंडीशन में हमारी जनरेटर पावर सप्लाई स्टॉप ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे डिले दिया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी सिंपल सी वर्किंग रहेगी। हमारी मेन पावर सप्लाई जैसे ही ऑन होती है, उस कंडीशन में टाइमिंग डिले के बाद हमारा लोड मेन पावर सप्लाई पर आ जाएगा। और यदि मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई दोनों सप्लाई रहती है तो हमारा जो लोड है ओनली मेन पावर सप्लाई से ही रन करने वाला है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वर्किंग होती है, किस तरह से हमें प्रॉपर वायरिंग करना होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही।